नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देने के लिए आज विदेशी ताकत भी लगा हुआ, विदेशी ताकत भी लगा हुआ, चूंकि उनका नहीं चल रहा। आज हिंदुस्तान में कोई उनका बिजनेस नहीं चलने दे रहे हैं और वो देश के बारे सोचते हैं, इसलिए विदेशी ताकत भी उनको हटाने के लिए लगा हुआ। इसलिए हम आप लोगों से अपील करने के लिए, आग्रह करने के लिए आए, वैसे ईमानदार व्यक्ति जो आज पूरा जीवन काल उनका स्वच्छ रहा, साफ रहा, साफ सुथरा रहा, 15 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात का, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक भी दाग दामन में एक भी दाग उनका नहीं लगा। आज 140 करोड़ जनता के साथ आज भी एक परिवार की तरह हम रहते हैं। हम भी अपील करते हैं ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति जो देश के लिए सोचते हैं, 140 करोड़ जनता के लिए सोचते हैं। हम उसी टीम के हम सिपाही भी हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी के टीम में बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, लेकिन आज तक कोई घुसखोरी और भ्रष्टाचार में नहीं सम्मिलितता दिखा गया। दूसरे तरफ हमारे मुख्यमंत्री जेल में, एक मंत्री और अभी जेल में जा रहा, कई अधिकारी जेल गए। किस प्रकार से लोहा, कोयला, बालू, पत्थर को लूटा गया, इतना तक जमीन तक को लूटा गया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उम्मीदवार है मथुरा महतो, जो भू राजस्व मंत्री थे उस समय, हम लोगों का आज पूरा झारखंड यदि झेल रहा है। आज जमीन जो हमारा पूर्वजों के द्वारा खेत बनाया गया, बारी बनाया गया, घर बनाया गया, आज उसका रसीद कटना बंद हुआ, बंदोबस्त का रसीद कटना बंद हुआ। 2011 के समय में यही आदमी उस समय मंत्री था, यही हेमंत सोरेन उस समय मुख्यमंत्री थे। आप बताइए, झारखंड का हर व्यक्ति उस समय 1908 में जब सर्वे हो, उस समय आप समझिए पूरा जंगल झाड़ होगा, आदमी आया, गांव बनाया, बसा। उस समय का सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पूरा गांव का नक्शा बदल गया, शहर का नक्शा बदल गया, बड़ा बड़ा शहर बस गया, और आज उसका मालिकाना हक, उसका अधिकार नहीं छीन लिया गया। इसलिए हम आप लोगों से यही अपील करते हैं, एक तरफ पूरा देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, और दूसरे तरफ अभी भी कोई कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसका नामों नहीं लिया। विपक्ष भी बताए कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अभी तक उसका नाम नहीं। बताइए 140 करोड़ जनता का भविष्य किस व्यक्ति के हाथ में, यदि नरेंद्र मोदी जी को हटाना है तो विपक्ष नाम तो बताए कि किस व्यक्ति के हाथ में 140 करोड़ जनता का भविष्य हम लोग दे सकते हैं, उनके पास नाम नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं, एक परखा हुआ आदमी, 10 साल उनका कार्य को आप लोगों ने देखा है, आज तक कभी कोई दामन में दाग नहीं लगा, वैसे व्यक्ति जो नेतृत्व करेगा पूरा राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, रात दिन मेहनत करते हैं। और उनका सपना है कि 2047 जब 100 साल का भारत होगा तो विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होगा उनका सपना। उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए आप सभी लोगों से अपील करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, आज आधी आबादी है महिलाओं का, उनके बारे में मोदी जी का चिंता है। वह चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आगे बढ़े, हमारी महिलाओं को सम्मान मिले, उन्होंने इज्जत घर दिया, आज महिलाओं को आरक्षण भी दिया, 33% आरक्षण अभी हम लोग पिछला लोकसभा में हम लोगों ने पास किया। हो सकता है अगला बार गिरिडीह लोकसभा से किसी महिला कोटा में चला जाए, महिला हो तो, हो सकता है विधानसभा महिला में चला जाए, तो 33% आरक्षण जो दिया गया है महिलाओं के लिए, आप सदन में भी महिलाएं दिखाई देंगे, कभी गिने चुने कुछ महिलाएं अभी विधानसभा और लोकसभा में दिखाई देती है। जिस प्रकार पंचायत चुनाव में भी 50% आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ा, यदि महिलाओं के बारे में कोई चिंता किया है तो एक ही चिंता करने वाला है, नरेंद्र मोदी चिंता कर। आज सभी लोगों को कोरोना काल में सभी लोगों को राशन मुहैया करा गया, आज भी कोरोना काल समाप्त हुआ तब भी सभी लोगों का आने वाला 5 साल तक के लिए उन्होंने एक्शन कर दिया। और आज आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ने का काम किया, 5 लाख तक का इलाज देने का उन्होंने काम किया। आप समझ सकते हैं गरीब आदमी पहले, जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं उससे पहले यदि कोई प्रधानमंत्री था तो गरीब आदमी जब बीमार पड़ता था या कुछ हो जाता था घर में, तो उसका घर जमीन बेचना पड़ता था, बंधक रखना पड़ता था, घर बेचना पड़ता था, जेवर बेचना पड़ता था, तब जाके लोग इलाज करते। तो इस तरह से मोदी जी हर घर के लिए चिंता किए कि अब किसी का जमीन नहीं बिकेगा, किसी का जेवर बंधक नहीं होगा, किसी का घर नहीं बिकेगा। इसलिए हर व्यक्ति के लिए नरेंद्र मोदी चाहते प्रधानमंत्री आवास योजना,
और घोषणा किया 5 दिन पहले गिरिडीह में आए प्रधानमंत्री जी और बोले भी कि 4 करोड़ लोगों को पूरे भारत में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिया है और आने वाला 5 साल में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा, सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास देंगे, वो घोषणा किए। और मोदी जी जो बोलते हैं सो करते हैं, मोदी जी का गारंटी है, आश्वासन नहीं होता। इससे पहले हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलता था, हर चुनाव में आश्वासन मिलता था कि जीतेंगे तो महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं का अधिकार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हमेशा आश्वासन मिलता था। लेकिन मोदी जी जो बोलते हैं सो करते हैं, यही विश्वास है, इसलिए सभी लोगों के दिल में मोदी जी बसते हैं। और फिर से जो उन्होंने नारा दिया है, अब की बार इसी ताकत को फिर से हम लोगों को एक एक वोट देकर देना है, ताकि देश के स्वाभिमान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए आप नरेंद्र मोदी जी को एक एक वोट केला छाप में यहाँ पर दें और मुझे जिताएं, ताकि नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर सके। इसी के साथ धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360006691। Follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.